औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपना देश नज़रीन अस्सलाम अलैकुम मैं सुना मेज़बान रहीम शौकत द कैमरा मैन मोहम्मद एहसानी तुसानी खिदमत हाज़िर हां एक नए वीडियो नाल इस टाइम असां मौजूद हां चकसवारी पुलिस स्टेशन ने बाहर ते अंदर जुलसा अल्लाह माफ़ करे तुसीं पता कि चकसवारी ने अंदर एक और कोरोना वायरस ना मरीज सामने आया जिसकी उम्र 6 साल दस्या जाना ते अंदर जुलने हां सचो साहब नाल गल करने हां कि इस टाइम वो मरीज किस केड़ी जगह मौजूद है उसना किस जगह तलक से सुना ना कैसे अज जुलने हां अंदर जी नाजरीन इस टाइम असा को एस एच ओ थाना चकसवारी ज़ाहिर अहमद चौधरी साहब मौजूद न क्योंकि तुम्हें पता कि कोरोना वायरस ना एक और मरीज जरा ना चकसवारी तो आया वै केसिस जरा ना दिन ब दिन इजाफा होना पाया लेकिन तुम्हें पता कि सोशल मीडिया पर आज़ादी राय है लेकिन हर बंदा गलत खबर फैलाई के लोगों ने अंदर खौफ वायरस फैलना पाया जिसकी वजह तू काफ़ी मेंटल तौर दिमागी तौर पर भी जिसमानी तौर भी बंदा मफलूज हो जाना लेकिन हकीकत उसने को पूछनी चाहिए जो अदारे ताकि तुसांकी सारी गल पता चली जाए इस टाइम असा जेड़े ना सचो साहब मौजूद न तुसांकी दसन के कोरोना वायरस ना मरीज किस तरह होया क्या सिलसिला होया अज उन्हें गल करनी है जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह सर बहुत शुक्रिया जरा तुसां टाइम दिता ते दूसरा है असीं दस्या कि जरा ये केस होया कौन क्या ना सी इस कितनी उम्र सी इस तक किस तरह केस आया ये हसन नाना बच्चा है तकरीबन 6-7 साल उम्र है इसनी एक गुज़श्ता कोई 4-5 दिन पहले रूटीन में कोई बीमार होया थे DHQ अस्पताल मीरपुर दाखिल रहे उस दौरान उन्हें इसने एहतियातन कोरोना ना टेस्ट भी लिया और रिपोर्ट उन्हें भेज छोड़ी लैबोरेटरी अज उसनी जी रिपोर्ट आई है वो कोरोना टेस्ट पॉजिटिव रिपोर्ट आई है उस तो बाद फिर हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम आई है उस बच्चे ही चूंकि एक तो वो है भी छोटा सा कोई 6-7 साल उम्र है दूसरा यह है कि वो उसने वो पैरों तो मजूर भी है उसने वालदा ही नाल उसने पैर भाई से छोटे छोटे त्रे वो भी एक उस बच्चे ना चाचा उन्हें इस हेल्थ डिपार्टमेंट ने टीम नाल भेजे है मेरे पर बाकी जड़े वाले खाने वो कार ने हद तक उस नहीं पाबंद किया ते जरा ना रिपोर्ट उस टाइम आई है तो उस टाइम वो बच्चा किस जगह सी जरा ना वो अपने घर भी इतना मौजूद था अपने हम क्योंकि इस तो पहले वो अस्पताल चु डिस्चार्ज हुई था घर आई गया सा रिपोर्ट जड़ी है वो आज उसने आई है लैबोरेटरी चु वापस अस्पताल आने जिस तरह मौसूल हुई है उन्होंने देखा तो पॉजिटिव है फिर उन्होंने अप्रोच किया उन्होंने टीम आई है क्योंकि सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हो रही थी कि वो सरकारी अस्पताल ने अंदर इलाज कराने पे जल्द पॉजिटिव आए तो उतु बच्चा कि नहीं ले गए इसने हकीकत है या नहीं नहीं वो चूंकि पहले रूटीन में ही आ गए सन डिस्चार्ज होकर घर आ गए सन रिपोर्ट उस तो बाद आई है लैबोरेटरी ने लेकिन दसने कि उस टाइम जिसल उन्होंने रिपोर्ट आई है उस टाइम जरा सारे चकसवारी ने जरा सरकारी अस्पताल इस टाइम वो बच्चा इतने मौजूद सी कोई इंजेक्शन वगैरह लाने पे सुनके इंतजामिया इस बारे में भी तो इलम नहीं हाल बता जी असा डॉक्टर साहब आर एस सी रबता किया उन्होंने असें इन्फॉर्म किया था कि इस तरह बच्चा एक ऐसा DHQ भी दाखिल रहा तो उसने टेस्ट रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई है अपने तौर पर महकमा सेहत आने में चेक कराया तो उसका कार भी मौजूद है टीम इसी मीरपुर तो तुसा असा नाल कोऑपरेट करी तो उसी शिफ्ट कराना है मीरपुर असं जिसल गए अपने आप उन्होंने कार बच्चा कार भी मौजूद सा वालदा भी सी बाकी वाले खाना मौजूद सन तो उन्हें असं शिफ्ट करके भेजी है कोई ऐसी गल नहीं हुई खुदा ना आस्ता जहर गल है उन्होंने बच्चे की तरह अगर आंढ गुआंढ अपने मोहल्ले ने अंदर या किसी दोस्त नाल अहबाब ना मिलन तो उस बाद इंतजामिया ने लाए अमल क्या उसी के वो इलाका सील कर सुनी या मोहल्ला या नहीं सब तो पहले तो यह है ना कि उन्होंने मैं मौके पर गया सा घर है उन्होंने अपना गेट लगे चार दीवारी तू अंदर और रहने सन अपने घर भी उन्होंने घर आने में इस घर ने हद तक पाबंद किया है बाकी अहले मोहल्ला से जड़े उन्होंने भी जो चीदा चीदा दो चार लोग उतने असं दस्तियाब हो सके उन्हें भी दसिया कि तुसा कोशिश ये करनी है कि अपने अपने घर में रहना और बिलखसूस इस घर वाले नाल किसान मेलजोल नहीं रहना चाहिए जब तक टेस्ट क्लीयर होने उस तो इलावा हेल्थ डिपार्टमेंट नाल डॉक्टर साहब नाल भी माड़ा रबता है कल दोबारा टीम आसी जड़े वो कार विच बाकी बंदे मौजूद है उन्होंने टेस्ट कर सी उन्होंने रिपोर्ट आने तक वो बाकी अपने कार विच मौजूद रहे जी अगे शेख अदील ने मुतालिक जरा होया सी ते उन्हां नाल दिगर दोस्त अहबाब ने जड़े उन्हां नाल मेल जोल सी उन्होंने भी टेस्ट किया गया उन्हें रिपोर्ट आई या नहीं आई अजे उन्होंने लोगों ने टेस्ट रिपोर्ट आ गई है नैगेटिव है सारे किसी बंद पॉजिटिव नहीं है दूसरा असा क्योंकि रोज ब रोज अगे चकसवारी इतनी सूरत हाल खराब नहीं सी लेकिन यह भी खबर आ रही है कि चकसवारी ने खिलाफ साजिश भी है कि इतने कोरोना वायरस ने ज्यादा केसेस होने तो इतने अमन खराब हुआ है इसने कोई सदाकत है या नहीं नहीं ये सिर्फ अफवाह नहीं आता क्या चकसवारी अलहमदुल्ला वैसे ही पूरा अमन एरिया है केस होना ये एक मैं साजिश एक माहौल बनी गया लोगों ने कि किसा जिस ने दिल आख्या उस आख्या कोरोना एक साजिश है साजिश तो नहीं है एक वबा है वायरस है बीमारी है इस तरह नहीं कोई
ये अफवाह नहीं आता कि है कि साजिश हो रही है। दूसरा अगर कोई मिसाल तौर पर टेस्ट कराना कि मी कोरोना वायरस है, दूसरा क्या कि असा कर्फ्यू ने मुताबिक तुसा दसिया पहले तो दसिया कि अगर कोई टेस्ट कराना तो उस तो बाद वो अपने घर अंदर है या अस्पताल है उ रहे। अगर तो किसी अलामत जाहिर होनी वो हेल्थ डिपार्टमेंट खुद उसी देख लेने, अगर किसी अलामत जाहिर होनी कुछ फिर तो उसी उत्थे ही आइसोलेट कर लेने। अगर अगर कोई रूटीन विच कराना है तो फिर भी वो उसी हिदायत देने कि जब तक थोड़ी रिपोर्ट नहीं तो अपने घर के अंदर मौजूद रहना, मेल जोल किसी नहीं रखना। दूसरी लॉकडाउन के मुताबिक क्या सूरत हाल है कि लॉकडाउन होया या नहीं, क्या सिलसिला चला पाया? लॉकडाउन अज तक तो है ना, अज आला सतह ना इजलास होया है अज, बल्कि इस टाइम में भी जारी उसी उस तो बाद ही नया नोटिफिकेशन जो है जारी उसी उसके मुताबिक अमल हो। अगर मिसाल तौर कोई असा पिछली वीडियो जी सवाल किया लेकिन इस भी सवाल करने अगर खुदा ने हाजता कुछ है कि कोरोना वायरस इस हिता चक सवारी अंदर आया तो सब तो पहले कुछ ने रबता करे जरा वो ईजी अप्रोच असा इंतजामिया इतने मौजूद हाँ, महकमा सेहत आर एच सी अमला भी मौजूद है वो रबता कर सकना है। तुसा जहर गल अपनी अखा उ तकी कह सो कि कोरोना वायरस ने मरीज किस तरह रखने पेने की कि इतने अफवाह फैलनी पी है कि कोरोना वायरस न कोई सख्ती की जानी है, जबरदस्ती उन्हें अगर रखा जाना, इसने कोई सच की गल है या नहीं? नहीं सख्ती है जबरदस्ती दस्ती वाली नहीं है, चूंकि कोई जुर्म तो है नहीं है कि उसकी सख्ती की जासी या जबरदस्ती की जासी, ये एक वबा बीमारी है, लोगों ने सेफ्टी वास्ते ही है ते उन्होंने हिफाजत वास्ते अस्पताल विच या करंटीना सेंटर विच या आइसोलेशन वार्ड विच किसी जगह रखा जाना, उन्होंने जानी हिफाजत वास्ते उन्होंने और बाकी लोगों वास्ते, बाकी कोई जुर्म तो है नहीं है कि इस सख्ती नाल किया जासी या जबरदस्ती उसी खड़े जासी, ऐसी गल नहीं है। तो एंड पर कोई जरा तुम मैसेज देना चाहते हो तो आवाम की जरा अपने मुतलक थाने के मुतलक या जरा कोई देना चाहते हो? यही मैसेज दसा कि हर बंदा जी एस ओ पी जारी है, चूंकि दो तीन वाह तो ये दसियां जा रही हर बंदा तकरीबन आगा है इन्हें, क्योंकि एहतियाती तदाबीर घड़िया घड़ी हैं, एहतियाती तदाबीर हर बंदा अपनाए उन्हें पर अमल करे ताकि इस वबा तो आसानी निकलिया जाए सब। जी आमीन जी, बहुत शुक्रिया जरा तुम अपना कीमती वक्त अपने देश की दिता है, जिस तरह इन्हें एहतियाती तदबीर पर अमल कर सो तो सारा चकसवारी इंशाला बचा रहे सी। तो दुआ है अल्लाह ताला सारे चकसवारी पर जरा अपनी सलामती अपनी रहमत जरा कायम दायम रखो। तुसा एस एच ओ साहब ने गल सुनती है, सारे अदारे सारी अफवाह सारे डॉक्टर एंड पर खुलासा ही है निकलना कि जितना तुसा कार भेसो इतना महफूज रहसो, तो दूसरा इंशाल्लाह अपना देश जितनिया भी इंशाल्लाह सारी कोशिश होनी है कि सच्चिया गल्लां सारे अदारे नियां जी गाय लैन उन्होंने पर चली कि तुसा की जनिया सच्चिया खबर दें, तो दूसरा सोशल मीडिया पर आज़ादी है हर बंदा अपनी राय ना इजहार करी सकना, लेकिन उसने जितनिया सच्चिया खबर भी हैं लेकिन ज़्यादातर झूठियां भी हो सकनियां, तो उस तू जितना भी तुसा दूर रहो तुसा वास्ते बेहतरी है। तो दूसरा तुसा माड़े पिछे तकने उस दो इलाके चकसवारी तो मीरपुर ने नान, तो सारी दुआ वे अल्लाह ताला इन्हां दोवां इलाकियां पर अपनी रहम करम अपनी रहमत ना छाओ कायम दाई फरमाउन, क्योंकि सारी तो दवा पौड़ी इंसानियत वास्ते वै, लेकिन तुम्हें पता कि चकसवारी तो मीरपुर ये इलाके लोगों ने चेहरे पर मुस्कुराहट रोशनी ने शहर जहाँ कलाया जाना सी, लोगों की मदद वास्ते भी ये पूरी दुनिया ने अंदर मशहूर है, तो सारी दुआ वे अल्लाह ताला पूरी इंसानियत जितने भी मुल्क न जिले न शहर न अल्लाह ताला सारे रहम करम फरमाउन, तो अल्लाह ताला असा की भी आबाद रखो खुश रखो, तो इस कोरोना तू जितने भी लोग बीमारी जिन मुबतला अल्लाह ताला सारे की महफूज रख, जितने भी लोग इस दुनिया तू अहले ईमान गए अल्लाह ताला उन्होंने दर्जात बुलंद करो, तो जितनी भी पूरी इंसानियत वाला रहम करम फरमाऊन, तो इंशाल्लाह अपना देश तुसा की जिन्हें अपडेट करना रहे अपने इलाके ने, सारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करे, वीडियो लाइक करे शेयर करे, तो जब तक फी अमान अल्लाह। ठीक है।